So, uh, if over and all, if I talk about the basic principles, like what are the basic principles, so principles of naturalness, principles of habit formation, principle of order and proportion, principle of motivation, principle of selection, principle of gradation, principle of presentation, and principle of testing. ये सारे ही प्रिंसिपल्स जो हैं जिनको हम बेसिक प्रिंसिपल्स कहेंगे मीन्स जब कभी हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हमें इन प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करना पड़ेगा एज ए टीचर क्योंकि यदि हम बात करें इंडिया में इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है और उसको पढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है जो कि एक वे है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का और परमानेंट बनाने का तो यदि मैं बात करूं आपके सिलेबस की तो जो येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग यही आपके सिलेबस का पार्ट है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस का देती हूँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस कहता है कि जिस तरह से कोई बच्चा एक मदर टंग को सीखता है इजीली बिना किसी के सिखाए हुए अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में उसी तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को नेचुरल वे में सिखा सकते हैं ठीक है वो उसके लिए टीचर को ये करना होगा कि उसके लिए बच्चे को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करे जहाँ पर क्लासरूम के अंदर या प्लेग्राउंड के अंदर वो नेचुरल वे में इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सके दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन हैबिट फॉर्मेशन कहता है कि लैंग्वेज जो है वो एक स्किल है जिस तरह से हम साइकिल चलाना सीखते हैं कार चलाना सीखते हैं डांस सीखते हैं उसी तरह से लैंग्वेज को भी सिखाने के साथ साथ उसकी हैबिट उसकी आदत डालना जरूरी है आदत डालने से वो लैंग्वेज उस बच्चे को बार बार यूज करनी होगी और जिससे वो उस लैंग्वेज में परफेक्शन लेके आ सकता है फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहते हैं कि हमारे पास चार लैंग्वेज स्किल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो ये चारों जो लैंग्वेज स्किल्स हैं इनको इसी ऑर्डर में हमें बच्चों को सिखाना होगा लिसनिंग को हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं तो आपको पता होगा कि जब एक बच्चा छोटा होता है पैदा होता है तो सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स जिससे वो रूबरू होता है वो है हमारी दिस वन लिस्निंग स्किल ओके okay? उसके बाद बाद जब वो वो सुनना सुनने के स्पीकिंग करना स्टार्ट करता है फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर करता है और रीडिंग के बाद वो राइटिंग करता है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि, कि किसी भी नई लैंग्वेज को सिखाने के लिए इस ऑर्डर को हमें ब्रेक नहीं करना होगा लैंग्वेज शुड बी टॉट इन दिस ऑर्डर ओनली ओके फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये कहता है कि किसी भी स्टूडेंट को जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हो तो उसे मोटिवेट करने का काम भी टीचर का ही होगा ठीक है तो मोटिवेट करने की क्या टेक्निक हो, हो सकता है कि टीचर जो है स्टूडेंट के अंदर एक अराउजिंग टेक्निक को यूज करे अराउजिंग टेक्निक का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर उस लैंग्वेज को सीखने के लिए एक तरह से यदि आप एंजाइटी डाल देते हो फ्रस्ट्रेशन डाल देते हो या क्यूरोसिटी डाल देते हो तो उसके अंदर वो अराउजिंग टेक्निक टू लर्न द लैंग्वेज इन्वेंट होती है और जिससे वो मोटिवेट होता है ठीक है इसी में एक और टेक्निक हो सकती है एक्सपेक्टेंसी जब टीचर पेरेंट्स और नेबर या फिर सोसाइटी जब बच्चे से एक्सपेक्ट करती है तो वो लर्न करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करता है ठीक है और इंसेंटिव टेक्निक भी होती है जिसमें हम बच्चों को इंसेंटिव दे सकते हैं गिफ्ट्स दे सकते हैं ओके okay, तो वो भी उनको मोटिवेट करता है अब हम बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज बेसिकली बेस्ड ऑन दैट द होल सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है इतना सारा इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत बड़ी ग्रामर है बहुत सारा कंपोजिशन राइटिंग एंड ऑल ये सब हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं पढ़ा सकते लेकिन इतनी सारी चीजों में से बहुत कुछ तो पढ़ाना जरूरी है तो सिलेक्शन का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो उसको एक सिस्टेमेटिक वे में सेलेक्ट करो ओके तो ये सिलेक्शन के मेथड्स क्या होते हैं उनको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं

वो हेडिंग या वो टॉपिक इस तरह का होना चाहिए जो इन सारे प्रिंसिपल्स को मीट करता इसमें पहला पॉइंट आता है फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी कहता है कि कोई टॉपिक जो आपने चूज किया एज योर टीचिंग मटेरियल, वो कितनी बार हाउ ऑफ़न, है ना कितनी बार बच्चा उसको यूज करता है अपनी डे टू डे लाइफ में वैसे टॉपिक्स को आपको चूज करना है वैसे हेडिंग्स लेनी है वैसा टीचिंग मटेरियल यूज करना है जो उसको एक्चुअली फ्रीक्वेंटली यूज करने को मिले ओके देन कम्स रेंज रेंज ये कहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कम यूज होते हैं जैसे स्काई स्काई को आप या फिर स्टार स्टार और स्काई ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनको आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में ही यूज कर सकते हो उनका एक पर्टिकुलर यूज होता है ठीक है इनकी रेंज फिक्स है ठीक है स्काई को आप तभी यूज करोगे जब स्काई की बात करोगे लेकिन एक वर्ड डू, इन्हें आप एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हो एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो और आप डिफ्रेंसिएट कर सकते हो इसको एक सेंटेंस बनाकर भी जिसमें कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी ओके सो दिस इज द वे दैट वी कैन यूज द सेम है तो ये इसकी रेंज है तो वी कैन टीच

टेबल है चेयर है चौक है डस्टर है पेंसिल नोटबुक एवरीथिंग इज देयर तो हमें पहले वो वर्ड्स यूज करने जो बच्चे के सामने अवेलेबल हो ठीक है ना कि ऐसे वर्ड्स जो उसके सामने नहीं है ठीक है या फिर उसने देखे नहीं है तो अवेलेबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि वो टॉपिक्स चूज करो जो कि बच्चे के सामने अवेलेबल है जिन्हें वो देख सकता है समझ सकता है देन कम्स कवरेज कवरेज इज सेवरिंग ऐसे वर्ड्स जो ज्यादा अपने अंदर कवर कर ले वैसे वर्ड्स का हमें यूज करना होगा टीचेबिलिटी की बात करें तो टीचेबिलिटी से uh, ठीक है अब इसको पढ़ाने के लिए मुझे आराम से मैं एक फूल क्लास में ड्रॉ करके बता सकती हूँ या बच्चों को एक एक्चुअल फूल लाके दिखा सकती हूँ कि ये है फ्लावर ओके okay. लेकिन यदि मुझे पढ़ाना हो लव तो मैं बच्चों को लव दिखा के नहीं पढ़ा सकती हूँ यदि मुझे पढ़ाना हो लाए तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ ठीक है तो ऐसे वर्ड्स पढ़ाने चाहिए या ऐसी चीजों का यूज ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए जिनको जिनकी टीचेबिलिटी हो जिनको आप पढ़ा सको ओके देन कम्स एबिलिटी Learnability says that students should be taught those words which are easy to learn. लर्नेबिलिटी से रोट ना करे रटे ना बल्कि लर्न करे okay. तो ऐसा मैटर पढ़ाओ जो कि लर्नेबिलिटी वाला हो जो वो अपने माइंड में रख सके उसको लर्न कर सके ओके सो दीज आर or और सिक्स टॉपिक्स और सिक्स प्रिंसिपल्स और सब प्रिंसिपल ऑफ दिस मैथड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन टॉक अबाउटिपल ऑफ ग्रेडेशन दल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की तो प्रिंसिपल ग्रेडेशन कहता है कि इसका सिंपल मीनिंग ये है सिंप्लीफाई द मैटर ओके प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन कहता है कि आपको जो कुछ पढ़ाना है पढ़ाओ पर एक सिंप्लीफाई मैनर में एक आसान तरीके से ठीक है जिससे बच्चा आसानी से उस लैंग्वेज को सीख सके तो इसमें दो टेक्निक्स होती ग्रुपिंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग अनदर इज सिक्वेंसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्वेंसिंग अब इन दोनों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग की Principles grouping कहता है। grouping से मतलब क्या है grouping is like, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का जो सिस्टम है okay, उसको और उसके structure को ठीक है लैंग्वेज के सिस्टम और स्ट्रक्चर के बारे में हम ग्रुपिंग सोचेंगे ओके okay, तो सपोज इफ व्हाट साउंड व्हाट वर्ड्स फ्रेजेस मीनिंग्स क्या पढ़ाना है उनकी ग्रुपिंग करना उनको एक साथ रखना ठीक है जैसे फोनेटिक ग्रुपिंग फोनेटिक ग्रुपिंग में क्या आएंगे एक तरह के साउंड एक साथ हम ग्रुपिंग कर देंगे सपोज इट इज कैट बैट मैट पैट फैट सेट तो एक ग्रुप में हम इस तरह के वर्ड्स रखेंगे वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोनेटिक ग्रुपिंग फिर इट बिट पिट हिट किट इट इन सब में ई और ट आ रहा है तो हमने इन सबको एक ग्रुप में रखा ठीक है तो बच्चों को हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप वाले वर्ड्स एक साथ सिखाने चाहिए, फिर दूसरे ग्रुप वाले सिखाने चाहिए। इसे हम कहेंगे फ़ोनेटिक ग्रुपिंग ऑफ़ ग्रेडेशन, ठीक है फिर आता है लेक्सिकल ग्रुपिंग लेक्सिकल वर्ड का मीनिंग होता है वर्ड ठीक है तो ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट स्कूल तो स्कूल के आसपास क्या हो सकते हैं टीचर हेडमास्टर पियॉन क्लासरूम लाइब्रेरी कैंटीन स्पोर्ट्स ग्राउंड ठीक है तो ये सारे जो वर्ड्स है ना हम इनको स्कूल के नाम से हम इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं जिसका नाम हुआ लेक्सिकल ग्रुपिंग अब बात करते हैं ग्रामेटिकल ग्रुपिंग की ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब सपोज कोई फ्रेम फ्रेज है या फिर कोई ग्रामेटिकल जैसे प्रोनाउन और उसके बाद नाउन यूज हुआ है एक तरह के पैटर्न के जो सेंटेंसेस हैं फ्रेजेस हैं छोटे छोटे भी सेंटेंसेस हों एक तरह के एक स्टाइल के सेंटेंसेस को एक साथ पढ़ाना उनकी ग्रुपिंग करना देन कम सिमेंटिक ग्रुपिंग सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग ओके okay, तो आप एक तरह की मीनिंग वाले वर्ड्स को कंबाइन कर लो एक ग्रुप में रख लो जैसे स्कूल पढ़ने जाते हैं कॉलेज पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं तो ये एक ग्रुप हो गया सिमेंटिक ग्रुप इनका सबका मीनिंग एक ही है कार ट्रेन एरोप्लेन ये सब एक ही मीनिंग वाले हैं ये सब ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं वी कैन यूज अनदर एग्जांपल लाइक टेम्पल चर्च मॉस्क और यू कैन से गुरुद्वारा तो ये सारे एक ही मीनिंग वाले हैं जिनका Uh, जो मीनिंग है वो अलग है यानी कि उनका सिमेंटिक जो है वो सेम है और हमको हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग देन स्ट्रक्चर ग्रुपिंग स्ट्रक्चर से नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरह के स्ट्रक्चर वाले जैसे कि वर्ड्स वर्ड्स इन टू फ्रेजेस दिस ऑल थिंग शुड बी ग्रुप टूगेदर ठीक है तो इस तरह से हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ग्रुपिंग की दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग जो हम करते हैं इस मेथड के अंदर सॉरी इस प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन टॉक्स अबाउट दी ग्रुप नाउ लेट्स सी प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंसिंग तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का ही दूसरा पॉइंट आता है सिक्वेंसिंग जब आपको सारी चीजों को सिक्वेंस में रखना है ठीक है जब हम ग्रुप को सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ कौन सी चीज किस चीज के बाद आएगी वॉट कम्स आफ्टर वॉट अरेंजमेंट एक तरह से किसी सीक्वेंस में अरेंज करना सीक्वेंस शुड बी देयर इन द अरेंजमेंट ऑफ साउंड फ्रेजेस वर्ड्स एंड इन मीनिंग ठीक है तो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर इंप्लाइज डायरेक्शन एक्सपेंशन वेरिएशन एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग ये हेल्प करते हैं बच्चों की कि वो बहुत सारे आइटम को किस तरह से फॉलो करना है एक के बाद एक वो समझ पाए उसे हम प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंसिंग सिक्वेंसिंग मीन्स अरेंजिंग इन द डिफरेंट ऑर्डर ओके चलो तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामर ओके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से मीनिंग होता है क्लियरली uh, हम बात करें तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज सिंपल स्ट्रक्चर तो पहले हमें सबसे पहले बच्चों को सिंपल स्ट्रक्चर बताना है जिसमें वो एसवीओ को कवर कर पाए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक है सो दिस स्ट्रक्चर शुड बी टॉट देन क्लोजली फॉलोइंग द फर्स्ट वन जैसे शी इज रीडिंग ओके तो ये वाला जो सिंपल स्ट्रक्चर है ये बच्चे को आना चाहिए जब उसको शी इज रीडिंग अ बुक और इससे रिलेटेड क्लोजली फॉलोइंग यदि कोई और sentences भी आ जाते हैं और कंफर्टेबल है इन sentences के साथ, then we'll go for the another one, जो कि थोड़ा बड़ा है बुक यहाँ तक टू पास हर टाइम एट दुक ठीक है तो मेन इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है एसवीओ एक सेंटेंस का एसवीओ बनना और इन करेक्ट ग्रामेटिकल वे

तो इस तरह से वर्ड का अपना एक पैटर्न होता है उसी पैटर्न में हमें उनको फॉलो करना चाहिए ऐसा कहता है लेक्सिकल सीक्वेंस ओके सो दिस वे वी हैड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग ओके सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग इन ग्रेडेशन एंड इन सेलेक्शन वी हैड फ्रिक्वेंसी रेंज अवेलेबिलिटी कवरेज टीचेबिलिटी and learnability so i hope this these two methods or the these two important principles of teaching english is completely clear to you thank you so much for watching this video thank you bye bye in the next videos we will cover the another two parts of teaching method